लोग अब उत्तर प्रदेश को एक दूसरे नजरिए से देख रहे हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर क्षमता है, उत्तर प्रदेश कुछ कर सकता है। आज यहां पे किसी भी प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के लिए, जातिवाद के लिए या किसी भी प्रकार के अन्यवाद के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई व्यवस्था का पालन करते हुए पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थितियों में जो व्यापक बदलाव आए हैं उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त होते हैं। याद करिए 36 लाख करोड़, ये सामान्य राशि नहीं, ये बहुत बड़ी राशि है। और उत्तर प्रदेश में जब ये व्यवस्थित रूप से इसका निवेश होगा, 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी की संभावना लेकर के आएगा। 1 करोड़ युवाओं। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।